हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने मछली का रेसिपी लेके। मसाला फिश करी कैसे बनाते हैं बहुत ही आसान है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, 2 मिनट की वीडियो है, इसमें पूरा रेसिपी बता दूंगा आपको, मज़ा आ जाएगा देख के। सबसे पहले मछली को अच्छे से धो लेना है और उसमें हल्दी और नमक मिला के उसको फ्राई कर लेना है। 5-10 मिनट के लिए ढक देना है, वो फ्राई हो जाएगा तब तक इधर मसाला बना लेता हूँ मैं। सबसे पहले मैं प्याज, लहसुन, मिर्ची और अदरक का पेस्ट बनाने के लिए मिक्सी में इसको डाल दिया। अब मिक्सी में इसको पूरा पीस दूंगा जैसे मसाला बनाते हैं, इसको पूरा मसाला बना दूंगा। अब जो मछली में फ्राई करने के लिए दिया था वो अब फ्राई हो चुका है, मैं अब इसको उठा लूँगा अच्छे से। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल कम हो गया था इसलिए फिर ऑयल डाल दिया, और वो जो मैंने पेस्ट बनाया था मसाला वो मैंने अभी डाल दिया उसको, और उसके ऊपर हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिला के इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगा, और इसमें 2 टमाटर भी मैंने डाल दिया। पहले मैं नमक देना भूल गया था इसलिए अभी नमक दे रहा हूँ। अब 5 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लिया, उसके बाद इसमें पानी डाल दूँगा। आप अपने हिसाब से पानी डाल देना, कितने लोगों के हिसाब से कितना मछली है उस हिसाब से पानी डालना। उसके बाद पानी डालने के बाद फिर मछली भी मैंने डाल दिया और इसको अब ढक देंगे। अब 5-10 मिनट बाद मैं इसे देख लेता हूँ कितना अच्छे से, देखिए फूल गया है, ये मिक्स हो गया अच्छे से। अब इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर धनिया पत्ता मैंने काट के रखा था वो मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार, क्योंकि स्वाद अच्छा लगता है, खुशबू अच्छी आती है। अब ये मेरा फाइनल बन गया। तो देखा आपने कितना आसान है, 2 मिनट के अंदर ही कितनी आसानी से मैंने बना लिया। आप भी अपने घर में बना सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना।